कोटा के काल तालाब इलाके में कुछ युवा जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गए। युवाओं का कहना है कि पानी की टंकी के ओवरफ्लो होने से बार बार इलाके में पानी भर जाता है। शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। विरोध में आज पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा है। बता दें कि पूर्व भाजपा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नगर के नेतृत्व में 8 से 10 युवा सुबह 8:30 बजे करीब पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश देकर आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग नीचे उतरे। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। जिस तरह काला तालाब में जो पानी की टंकी है ये बार बार ओवरफ्लो हो जाती है, हमने IN JN एक्शन से कई बार कहा कि इसके निकासी के लिए कोई व्यवस्था करें। बार बार ओवरफ्लो होकर जो आसपास के खेत हैं उनमें पानी भर जाता है, आसपास के ग्राउंड डिस्पेंसरी वगैरह सब में पानी भर जाता है। आज रात को भी ये ओवरफ्लो हुई और यहाँ करीब 10 बीघा में आसपास के जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके 2-2, 3-3 बीघा जमीन है, उनके सब गेहूँ में जो कटने वाले थे आजकल में उनमें पानी भर गया है और वो गेहूँ पूरी तरह खराब हो गए हैं। हम आज यहाँ पर टंकी पर चढ़ गए हैं और टंकी पर चढ़कर ये मांग कर रहे हैं कि इन गेहूँ का मुआवजा दिया जाए, दूसरा IN और JN को दोनों को सस्पेंड किया जाए। इस मांग को लेकर आज हम टंकी पे हैं। जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम नीचे नहीं आएंगे।